सिरोंज के अमीरगढ़ में वन विभाग के प्लांटेशन में पेड़ कट गए। वन विभाग को पता ही नहीं चला। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिरोंज रेंज ऑफिसर। सिरोंज के अमीरगढ़ गांव के पास वर्ष 2010 में वृक्षारोपण कर संरक्षित वन का निर्माण वन विभाग ने किया था। इसके चारों ओर तार फेंसिंग भी की गई थी। कुछ दिन पहले इसी में 30-40 पेड़ काट दिए गए, मगर वन विभाग को इसकी खबर ही नहीं लगी। ग्रामीणों की सूचना पर सिरोंज रेंज ऑफिसर मौके पर पहुंचे इसी प्लांटेशन में। आसपास देखने पर 30 से 40 बड़े बड़े पेड़ कटे पड़े थे। यह किसने काटे हैं इसका पता वन विभाग नहीं कर पाया, तो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच गतिशील कर दी गई। सिरोंज रेंजर का कहना है कि यह पेड़ करीब 15 दिन पहले काटे गए हैं। पेड़ों की सतह पर घुन का पाउडर देखकर यह अंदाजा लगाया गया है। इस क्षेत्र में बीट गार्ड मांगीलाल और डिप्टी रेंजर सुरेश शर्मा की ड्यूटी है। 15 दिन से पेड़ कटे पड़े हैं और इन दोनों को पता ही नहीं चला। मतलब साफ है, यह दोनों 15 दिन से जंगल भ्रमण पर गए ही नहीं हैं, या फिर इन्होंने ही किसी से मिली भगत कर पेड़ कटवा दिए। विभाग के ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण ही जंगल खत्म होते जा रहे हैं। 2010-11 का प्लांटेशन था, तो आज मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ हमें पेड़ कटे हुए पाए गए। ये पेड़ मेरे अंदाज से जो मुझे जितना वो है, क्योंकि उनमें घुन लग रहा था, कम 10 से 15 दिन पहले के होने चाहिए। जो आपके भीड़ परिवारी हैं, डिप्टी हैं, कितने दिन में जंगल जाना चाहिए, भ्रमण वगैरह नहीं करते हैं? ये लोग भ्रमण करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हर समय हो सकता है उपस्थित ना हो, ना देख पाए हो। सिरोंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।